अभी अभी क्लीनिंग खत्म करके मैं यहाँ पर आई हूँ, और आप सभी को पता है कि मेरे घर पे रिनोवेशन चल रहा है। नेचुरली आप सभी की ओर से एक कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि इस दौरान आप अपने घर का रिनोवेशन करा रहे हो, तो इसमें आप अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखते हो? वैसे मास्क पहनाना, हाथों को धोते रहना और घर की सारी चीजों को सैनिटाइज करना और क्लीन करना, ये तो मैं करती रहती हूँ, पर क्या इतना काफी है? घर में इन्फेक्शन फैलाने वाले जर्म्स का क्या? ये जर्म्स हवा में इन्फेक्शन फैलाते हैं और मुझे हमेशा फिक्र लगी रहती है कि जिस हवा में मेरे बच्चे सांस ले रहे हैं वो सेफ है या नहीं। लेकिन मेरी इस चिंता को दूर करता है ये मेरा हवा का डॉक्टर, ओडोनिल एयर सैनिटाइजर। अब आप मुझसे पूछोगे कि इसे हवा का डॉक्टर क्यों कहते हैं? ये ओडोनिल एयर सैनिटाइजर हवा को सैनिटाइज करने के साथ साथ हवा में रहने वाले जो जर्म्स है उससे फाइट करता है और आपके परिवार को डॉक्टर की तरह सुरक्षित रखता है, इसीलिए मैं इसे हवा का डॉक्टर कहती हूँ। अब आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि इसे कब कब यूज करना चाहिए? ये जरूरी है कि आपके बच्चों का रूम जर्म्स फ्री रहे ताकि आपके बच्चे साफ हवा में सांस ले। मैं ये हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरे बच्चों का पूरा रूम और वहां पर जो भी चीजें हैं वो हमेशा साफ और सैनिटाइज रहे। हवा में जर्म्स से लड़ने के लिए मैं ओडोनिल एयर सैनिटाइजर का यूज करती हूँ जो मुझे पूरी तरह से संतुष्ट रखता है। मैं और मेरे बच्चे तो हमेशा घर पे रहते हैं, बट मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। घर में आते वक्त बाहर के जर्म्स अंदर ना आए इसी वजह से वो खुद ही प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे कि मास्क पहनना एक्सेट्रा। उनके घर आने के बाद एक बार घर में आधे लास्ट स्टेप में ओडोनिल एयर सैनिटाइजर स्प्रे कर देती हूँ जो हवा में जर्म्स से लड़ता है और मेरी पूरी फैमिली को सेफ रखता है। और इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। जब मेरी फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स घर पे आते हैं या रिनोवेशन चल रहा है तो रिनोवेशन वर्कर्स भी घर पे आते हैं, उनके जाने के बाद तुरंत मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ और एयर में एक बार ओडोनिल एयर सैनिटाइजर स्प्रे कर देती हूँ ताकि मैं और मेरी फैमिली सेफ और क्लीन हवा में सांस ले सके। अब मैं आपको बता दूं कि इसको यूज कितनी बार करना चाहिए। मैं नॉर्मली पूरे दिन में इसे 3 से 4 बार यूज कर लेती हूँ। बहुत जरूरी है कि मैं इसे रेगुलर इंटरवल्स पे यूज करती रहूँ। और आपको पता है ओडोनिल एयर सैनिटाइजर हवा में जर्म्स से लड़ने के साथ साथ हवा में फ्रेशनेस भी फैलाता है, जिससे बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। इस समय जितना जरूरी साफ सफाई करना और चीजों को साफ रखना है, उतना ही जरूरी घर में हवा को जर्म फ्री रखना है। इसीलिए मैं अपने परिवार को बीमारियों से बचाने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ये हवा के डॉक्टर का यूज करती हूँ। आप भी इसे अपने घर में यूज करके जरूर देखिए और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। आई होप गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।